सर वीडियो आज अनबॉक्सिंग नहीं है, कोई ऐसा कुछ रिव्यू नहीं है, आज हम पॉट्स बनाएंगे। तो मेरे पास है मोको के हमारे सेंटर स्पीकर, तो इसकी मैं वीडियो ऑलरेडी पहले डाल चुका हूँ। तो आज मैं बनाने वाला हूँ इसके पोर्ट्स वगैरह क्या साइज़ रहने वाला है। तो पोर्ट्स का मैं सोच रहा हूँ कि एक यूनिवर्सल पोर्ट बनाऊँ जिसके अंदर जो बुलेट्स ट्विटर्स आते हैं हमारे पंक ऑडियो के हो गए या MTX के हो गए जो 4 इंच के होते हैं, तो सारे सब में एक फिट हो जाएँ। तो इस हिसाब से आज मैं पोर्ट बनाने वाला हूँ। फिलहाल ये पोर्ट्स बने हुए हैं तो मैं एक अलग से दोबारा इसी के हिसाब से एक डिज़ाइन करूँगा जो एक यूनिवर्सल रहेगा जो सब में ही लग जाए। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके आगे लगे बेल आइकन को दबाना है ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहें। तो फिर चलते हैं। ये है मेरे ट्विटर्स का बुलेट ट्विटर्स वगैरह या मिड रेंज के लगा लो, कोई भी लगा लो। तो पहले सबसे पहले आप कोई भी चीज़ बनाओ तो उसका एक फर्मा ज़रूर बना लो और उसके बाद में हमें वो हमारी टेक्निक होती है कि हम कैसे उसको बनाते हैं। तो ये मैंने एक राउंड किट्स मान लिए, यानी कि मैंने 5, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मैंने ये सर्कल काटे हैं। तो इनको हमने क्या करना है, सीधा चिपकाना है इसको। तो मैं पूरा बनाना ही सिखा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी वीडियोस में मेरे आपको सब कुछ सारी चीज़ें मिलेगी DIY, मतलब खुद से भी आप कर सकते हो घर पे। तो ये 4, 5 बनाने हैं, 5 को गम करके रखना है। तो मैंने पहले से गम करके रखा हुआ है, 1, 2, 3। एक ऐसे मैं इस पर दोबारा गम लगा देता हूँ, फिर इसको हम पूरा चिपकाते हैं। तो दोस्तों ये फर्मा ले लिया है, तो ये मैंने 3 राउंड लिए हैं। तो ये मेरे MDF है हमारा 18 mm का। तो ये तीनों को आपको ग्लू से चिपकाना है, उसके बाद में फर्मा बनाने के बाद आपको पूरा एक निशान सा ले लेना है। तो आप सोच रहे हो ये कटेगा कैसे, गोल कैसे बनेगा, यही तो ट्रिकी है सारा, कैसे बनाना है। तो ये आपको ऐसे फर्मा करके तो ये इस टाइप का एंड में कुछ आ जाएगा। तो चलते हैं, फिर इसको हम तीसरे वाले को चिपकाते हैं, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है आपने। कटिंग होने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाता है। तो पहले कैसे गोल दिख रहा था, ये गोल था, सोच रहे होगे आपकी कैसे होता है। तो ये कटिंग होने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। उसके बाद में अब हम फिनिशिंग पे डालते हैं, इसमें रेक मार्क वगैरह जो लगता है वो हम लगाएंगे। फिर ये थोड़ा और राउंड में हो जाएगा, तो कुछ एंड में ऐसी शेप आने वाली है। तो देखते जाओ कैसे बनने वाला है सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये रेडी हो गया है। तो इसके ऊपर मैंने एक और वो पीछे का जो ढकने का है वो लगा दिया है, इसके अंदर एक रिंग। तो उसको मैंने काटा नहीं है क्योंकि राउंड शेप मेरे को वही देगा, जैसे इसके अंदर ये राउंड शेप आती है एंड में। तो दोस्तों इसको राउंड शेप देने के लिए मेरे को इसको पीछे का पूरा जो है इसको पूरा घिसना पड़ेगा गोल शेप बनाने के लिए। तो चलो शुरुआत करते हैं कि कैसे करना है। तो दोस्तों इस तरह के से ये आ जाएगा, ये पूरा राउंड बन गया, पूरा इसको सामने सारा घिसा है और पूरी चीज़ें मैंने बताई है कैसे कैसे बनाना है। तो जो बनाना चाहता है खुद पे घर पे तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। चलो अब इस पर आप कपड़ा वपड़ा चढ़ाते हैं, पूरी फिनिशिंग दे देते हैं इसको। सो दोस्तों पूरी फिनिश हो चुका है, कपड़ा लगा दिया इस पर मोको का, मैंने 4 इंची का मिड रेंज स्पीकर्स लगा दिए हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपने गाड़ी पर लगा सकते हैं, कहीं भी माउंट कर सकते हैं इसको, आप पिलर्स पर भी अटैच कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत ही बढ़िया लगता है अच्छे तरीके से, तो आप एक अच्छे साउंड का मजा ले सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही DIY वीडियोस में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, सेफ ड्राइव, डोंट इंट